नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्थिर चित्र स्टील लाइफ ड्राइंग ग्रेड परीक्षा में एक महत्वपूर्ण विषय है। स्थिर चित्र स्टील लाइफ बनाने के लिए विद्यार्थियों के समक्ष बाल्टी, टोकरी, नेचर में से पपाया, दूधी भोपला, टोमेटो, दो तीन प्राकृतिक चीज़ें व्यवस्थित ढंग से रखी जाती है। तो इनमें से आज हम ग्रीन कलर से पोस्टर कलर यूज कर रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, कलर देते समय ध्यान रहे, जो भी चीज़ सामने रखी है उसका ऑब्जर्वेशन कीजिए, अनुकरण कीजिए। प्लेन कलर देने के बाद वाइट कलर से लाइट टोन कर सकते हैं। हर एक पार्ट में 3D इफेक्ट आना जरूरी है। कलर करने के लिए 4 या 6 नंबर का राउंड ब्रश यूज कर सकते हैं। स्थिर चित्र की पेंटिंग में इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि उसमें आकार, रेखा, बनावट, रंग छटा, छाया एवं प्रकाश की आकर्षक अभिव्यक्ति हुई या नहीं। शुरू में हमने पोस्टर कलर से पेंटिंग किया था, इसके बाद इसी नेचर को ऑयल पेस्टर से कलर करेंगे। स्थिर चित्र की रंग योजना कलर स्कीम को अधिक सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए आप उस वस्तु समूहों की रचना, एक दूसरे से पड़ने वाले प्रभाव तथा आकारों को मामूली परिवर्तन कर सकते हैं। प्राकृतिक वस्तुओं की उनके प्राकृतिक रंग में ही कलर करना चाहिए। कलर करते समय ध्यान रखिए, हर एक पार्ट में डायरेक्शन के हिसाब से कलर कीजिए। लाइट, मिडल और डार्क, ये 3 टोन आना जरूरी है। व्हाइट कलर से हाई टोन दे सकते हैं। पूरा कलर हो जाने के बाद ग्रे कलर से उसका शैडो बनाइए। इस तरह पूरा कलर हो जाने के बाद ऑब्जर्वेशन करो। विद्यार्थी मित्रांनो, कसा वाटला तुम्हाला आजचा हा व्हिडिओ? आवडल्यास इतरांना नक्की शेअर करा। धन्यवाद।